Assalamu alaikum friends welcome to my YouTube channel and today is 22nd of Feb and bahut ज़्यादा स्नो स्टॉम आया हुआ है आज तो इसलिए हम बच्चों को नहीं भेजे हैं स्कूल क्योंकि सारे बसेस कैंसिल है तो मैं आज ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी बनाऊँगी सा ब्रेकफास्ट अब आप देखें मैं लास्ट में डिश का नाम बताऊंगी क्या मैं बनाई हूँ तो पहले हम ऑयल डाल देंगे पैन में एंड छोटे छोटे से हम पोटैटोस कट कर लेंगे लाइक क्यूब्स में बस भर छोटे छोटे हमें पीसेस चाहिए पोटैटोस के तो जैसे ही हमारे पोटैटोस थोड़े लाइट ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे एक बिग ऑनियन और ये वाला ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ लाइक हम हम फाइव के लिए सफिशिएंट हुए जैसा तो मैं इसलिए जो क्वांटिटी कौ, कौ, ले रही हूँ वो आपसे शेयर कर रही हूँ मैं पोटैटो ली थी टू पोटैटोज मीडियम साइज़ और उसको लाइक क्यूब्स में कट कर लेके मैं पहले पोटैटोज डाल ली हूँ उसके बाद में लाइट ब्राउन जैसे मेरे पोटैटोज हुए उसके बाद में आई हैव पुटेड वन बिग ऑनियन एंड ऑनियन को भी मैंने स्मॉल स्मॉल चॉप्ड कर लिया था जैसे हमारी ऑनियन एंड पोटैटोज थोड़ा थोड़ा सा लाइक ब्राउनी शेड आए तो जब तक हम वेट करेंगे फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट ताकि और जल्दी हमारे पोटैटोज़ एंड ऑनियंस में कलर आ जाए क्योंकि सॉल्ट डालने से जल्दी से वो पकना शुरू हो जाए हमारा कुकिंग प्रोसेस जल्दी इंस्टेंट स्टार्ट हो जाता है लाइक जल्दी पकना स्टार्ट हो जाता है तो इसलिए हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड यस आई हैव एडेड जिंजर गार्लिक पेस्ट टू इट अभी जैसा हम इसको थोड़ा सा चला लें जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम ऐड करें बाद में आई एम गोना ऐड हमारी काली मिर्ची का पाउडर इन दिस फिर जैसा हमारी काली मिर्ची हो जाए वी विल ऐड सम गर्म मसाला टू इट एंड I will add some. तो फिर अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर एंड थोड़ा सा पैप्रिका ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे तो और बस आज बच्चे घर पे थे तो मैं सोची कि कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट हेल्दी वाला बच्चों को दे दें और फिर बड़ा मज़े का लगता है जब बाहर स्नो होती रहती है तो ये सब करने में तो बस अभी हम क्या बना रहे हैं हम आगे आपको बताएंगे इसका फिर हम इसमें ऐड करेंगे टू मीडियम साइज नहीं टू नहीं जस्ट मैंने ली थी वन मीडियम साइज टमाटो और इसको भी मैंने जस्ट छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है जैसा हम सारे ये इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे हम इसमें टमाटो भी ऐड कर देंगे और फिर इसे हम ढक कर रख देंगे ताकि हमारा टमाटोज एंड हमारे, हमारे पोटैटोज जो भी हम डालें वो अच्छी तरीके से लाइक थोड़े से गल जाए और अच्छे पूरे इंग्रेडिएंट्स एंड सारे हमारे टमाटोज एंड हमारे पोटैटोज़ में आ जाए एंड ये टाइम पे फिर मैं इसमें कुछ ऐड करी हूँ या आई थिंक आई हेव एड एड पैपरिका टू इट जो मैं आपको अर्ली बोल चुकी हूँ कि मैंने ये सब ऐड किया था इसमें फिर हम इसे ढक के रख देंगे फॉर जस्ट फाइव मिनट्स आफ्टर फाइव मिनट जैसे हमारे टमाटोज एंड पोटेटोज हो गए थे मैंने इसमें ऐड कर दिए है एग्स और मैंने ऐड किए हैं फाइव एग्स क्योंकि हम पाँच है तो पाँच एग्स डालेंगे और एग्स जैसा ही हम ऐड करेंगे इसके ऊपर से हम फिर से सॉल्ट डालेंगे क्योंकि एक्स डाले बाद में फिर आपका सॉल्ट कम हो जाएगा तो फिर आप देखें सॉल्ट अकॉर्डिंग लिए आप यूज़ करें आपको कितना लगता है अपने खाने में तो मैं भी अपने हिसाब से सॉल्ट ऐड करी हूँ फिर हम जैसा ही हमारे एग्स डाल देंगे फिर हम इसमें हमारी हरी मिर्च ऐड करेंगे अगर आप चाहें तो इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने धनिया ऐड नहीं किया है मैं सिर्फ इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी और फिर हम इसे ढक के रख देंगे और मैंने फिर आटा गूँध लिया था तो मैं जल्दी जल्दी अब रोटियाँ डालूँगी क्योंकि लेट भी हो रहा है बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए और फिर हम इसे कवर करके रख देंगे फॉर जस्ट टू मिनट्स हम हाई फ्लेम पे रखेंगे आफ्टर दैट हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे वरना आपका मसाला पूरा नीचे वाला जल जाएगा तो बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें उसे या फिर उसके नीचे आप कुछ अगर पैन वगैरह है तो वो रख दें ताकि आपका मसाला ना जले अभी हमारे रोटियाँ दलना शुरू हो चुके हैं एंड यस yes, अलहमदिल्ला हमारा ये वाला बन गया है एंड ये वाला था मेरा ऑमलेट रेसिपी फॉर ब्रेकफस्ट ईजी एंड अच्छी रेसिपी अगर कोई गेस्ट भी आए घर में तो ये बना दें आप बड़े मज़े लूटेंगे गेस्ट और बड़ी वाह वाही होगी आपकी इन बहुत मज़ेदार बनता है ये ये देखिए अच्छा यम्मी हेल्दी ब्रेकफस्ट एंड यस yes, अभी हम करते हैं ब्रेकफस्ट फिर मिलेंगे आपसे एंड आप, आप यकीन मानिए जितना मैंने क्वांटिटी बनाई थी सारा ही फिनिश हो चुका है एनी और अब आप, आप देख सकते हैं बाहर फिर से हमारे पास स्नो स्टॉम आया हुआ है एंड यस दिस ऑज़ द थर्फ टाइम अगेन वी आर गोइंग थ्रू बट यही तो कैनेडा की शान है बोल सकते हैं <laughs> तो बस वही गुजर रहा है अभी ये तो लास्ट लास्ट में फेबरवरी एंड मार्च तो बहुत हॉरेबल होगा सब यही कह रहे थे एंड यस नेक्स्ट तो यस आज है फ्राइडे तो गए नमाज के लिए गए थे तो मस्जिद में भी कुछ स्टॉल्स लगते हैं फ्रूट्स के तो आज हमारे घर आए हैं किंग ऑफ़ द फ्रूट्स मैंगोज एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा डिलीशियस मैंगोज थे बहुत बहुत थे पता नहीं कौन से मैंगोज थे बट बहुत डिलीशियस थे बहुत, तो बहुत तो मज़ा आया दे, खाकर एंड यस फिर बच्चे आ गए थे हमारे स्कूल से एंड फिर आज फ्राइडे स्पेशल में मैं बनाऊँगी फ्राइड चिकन अभी हम बहुत टाइम ग्रिल कर लिए तो अभी हम फ्राइड चिकन बनाएंगे तो यस बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा इंडिया में जैसा हम बनाते थे, थे ना फ्राइड चिकन हम वैसे वाला हमें चाहिए तो फिर इसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बता चुकी हूँ वो सारे मैंने मैरिनेट करके इसको ऑलमोस्ट थ्री आवर्स फोर आवर्स के लिए रख दिया था या फिर हमारा डिनर का प्रिपरेशन था तो फिर मैंने चिकन सारा फ्राई कर दिया है डीप फ्राई एंड बहुत लजीज मज़ेदार बना था उसके साथ हमारी फ्राइडे ऑथेंटिक हैदराबादी डिश खट्टी दाल बनी है बहुत मज़ा आया अलहमदिल्ला आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम मैं बनाई थी खट्टी दाल बनना तो मैं यूजअली दाल बनाती हूँ तो फिर आज हम खट्टी दाल खाना एंड चिकन फ्राई खाएंगे इनशाला हमारे डिनर में एंड बस यही था आज का सारा Thank <laughs> मैं चिकन फ्राई कर ही रही थी उतने में मुझे बेल लाइटिंग टोंग एंड यस yes, ये देखे क्या आया है हमारे पास यस yes, हमारे ओनर्स ने हमें ये वाला ट्राइफल सेंड किया था उन्होंने पता नहीं उनके पास कुछ था होगा तो बस हमें याद कर लिया तो जजाकल्ला खैर बहुत अच्छा मज़ेदार ट्राइफल था ये देखे कितना अच्छा डिलीशियसली उसने उन्होंने बना कर हमें भेजा है एक्चुअली परसों रोयस के बर्थडे में मैंने बताया था कि मैंने बिरयानी भेजा था तो बस वही वो, वो सेंड किए हैं तो ये देखिए हमारा डिनर हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह खट्टी दाल खाना एंड फ्राइड चिकन उसके बाद में फिर हम ये ट्राइफल खा रहे हैं बहुत लजीज़ मज़ेदार बना था इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी बहुत मज़ेदार था तो ये चलो नई नया आइडिया आ गया मुझे आपके साथ रेसिपी शेयर करने का एंड यस एंड बहुत मज़ेदार अच्छा था तो बस यही था हमारा पूरा ब्लॉग ये देखिए इस पर कितने अच्छे केक्स हैं लेयरिंग बहुत अच्छी किए थे हमारे ओनर्स ने तो बड़ा अच्छा दिखा ऐसा दिखा कि चलो कोई तो है हमारा यहाँ पर भी <laughs> तो बस वही मैं रुस को खिला रही थी एंड ये वाला चॉकलेट ट्रिफल था बहुत mm, आज का हमारा सारा ब्लॉग्स थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अल्लाह हाफिज़